सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीक मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया थी ऑन शार्क टैंक इंडिया, जिसमें मैंने पूरी डेटा एनालिसिस की थी विद द हेल्प ऑफ एक्सेल ऑन द रियल शार्क टैंक डेटा, जो कि मैंने उठाई थी फ्रॉम वेरियस डिफरेंट वेबसाइट्स। सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक डेटा एंथुजियास्ट हो या फिर आप एक डेटा एनालिस्ट की फील्ड में ट्रांसफर करना चाह रहे हो, आपके लिए वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में मैंने शार्क टैंक इंडिया की बिहाइंड दी सीन्स सम सीक्रेट्स आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सो कल मैं जब अपना लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक पीडीएफ और या फिर एक पोस्ट मिला फ्रॉम अदिति गुप्ता। अदिति गुप्ता वॉज अ पिक्चर ऑन द शार्क टैंक इंडिया, जिनको फंडिंग भी मिली है। सो इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था उस पर्टिकुलर पोस्ट में और उन्होंने ये पीडीएफ भी अटैच किया था। सो आई जस्ट रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इन द वीडियो। और इस पीडीएफ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोसेस टू गेटिंग द फाइनल फंडिंग। सो इन दिस वीडियो विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दी एंड ऑल दी बिहाइंड द सीन स्टफ एंड द क्रेडिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पीडीएफ गोज टू अदिति गुप्ता। सो या लेट्स फ्रेंड्स जस्ट क्विकली मूव टू दी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स व्हिच शी हैज मेंशनड इन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। सो कमिंग टू द सिलेक्शन प्रोसेस, सो यू कैन सी द एप्लीकेशन फॉर्म filled by the pictures were quite detailed and long. We submitted many pitch videos before and after the audition. So इन लोगों को बहुत ही काफ़ी ज़्यादा videos pitch करना पड़ता था auditions के दौरान या फिर audition से भी पहले। so बहुत ही multiple attempts में videos इन्होंने शायद पिच किया हो सकता है। देर वेर 62,000 एप्लीकेशन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, 198 स्टार्टअप्स। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी दी सक्सेस रेशियो इज क्वाइट वेरी मच हार्ड। सो 198 आउट ऑफ 62,000। सो या 67 वेर सक्सेसफुल इन रेजिंग फंड, सो क्लोज टू 1/3 ऑफ वॉट वेर सेलेक्टेड एंड क्लोज टू 42 crore इन फंडिंग वॉज डन into the 30 episodes which I said. The next interesting fact that was inside the tank. So entrepreneurs dilute ownership and sharks decide to put lakhs and crores of money. और ये सारा decisions हम लोगों को चुटकियों में 5-10 मिनट में दिखाया जाता है ऑन टू द टीवी। बट इन्होंने जो मैंशन किया है कि ये पर्टिकुलर पिच तकरीबन 60 से लेके 120 मिनट तक चलते रहती है, जो कि 1 से 2 घंटे हैं। सो आप देख सकते हो कितना रिगरस प्रोसेस जाता है बिहाइंड द सीन्स इन पिचिंग आइडियाज। वी माइट बी सीइंग द एपिसोड, सो हमको ये लगता हो सकता है कि ये पर्टिकुलर जो पिच है वो स्क्रिप्टेड हो सकती है, जो कि आई थिंक इज 50% इज काइंड ऑफ येस एंड 50% नो, बिकॉज यू कैन सी दैट बिफोर एवरी पिच देर इज अ लॉट ऑफ रिहर्सल विच गोज ऑन विद द क्रिएटिव टीम और शार्क टैंक इंडिया की क्रिएटिव टीम इन सारे कंटेस्टेंट्स या पिचर्स को वेरियस आइडियाज प्रपोज करते हैं, जिससे कि शो की जो एंटरटेनमेंट पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सके और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लग सके द एंटायर पिक्चर। सो देर आर लॉट ऑफ रिहर्सल्स विच गोज प्रायर टू द पिक्चर्स हु आर प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज ऑन क्रिएटिव पार्ट एंड द यूनिकनेस इन ऑल ऑफ द पिक्चर्स विच वी सी दैट सारा पिक्चर्स वॉज यूनिक इवन इफ द स्टार्टअप्स वेर क्वाइट सिमिलर। पर्टिकुलर ड्रिंक में है और दूसरे भी स्टार्टअप एक पर्टिकुलर ड्रिंक ही बना रहे हैं, पर उन दोनों का पिच करने का आइडिया वॉज क्वाइट डिफरेंट एंड इनोवेटिव इन देयर ओन वे। सो द क्रिएटिव टीम इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन दैट पर्टिकुलर वे। कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्ट एंड दैट इज द प्रोडक्ट डिस्प्ले। सो यू कैन सी उन लोगों का कुछ पर्टिकुलर कॉमिक बुक था और यू कैन सी द creative team has produced many leaflets and posters. Next point, and that is that coming, it is more related to the scripting part of this particular show. Aur iske bare mein kafi charcha ho rahi hai onto the internet that this show is scripted, but this point will clear all the doubts from the ex contestant of Shark Tank India. So inhone likha hai ki we got to know the sharks only few days prior to the shoot. The sharks had also no idea about who is coming. So sharks को भी पता नहीं होता है कि कौन पिच करने आ रहा है, और थोड़े दिन पहले ही इन सारे पिचर्स को भी पता चला है कि आखिर कौन कौन से शार्क्स इन स्टार्टअप्स में फंडिंग करने वाले हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच वॉज प्रोड्यूस
बाय दी एक्स कंटेस्टेंट ऑफ शार्क टैंक इंडिया एंड शी ऑल्सो गॉट दी फंडिंग. सो दी पीडीएफ क्रेडिट गोज टू अदिति गुप्ता. थैंक्स अ लॉट. सो फ्रेंड्स ऑल्सो फाउंड अ सिमिलर आर्टिकल बाय स्कूप बूम. सो वेयर इन्होंने एक पर्टिकुलर रेडिट कन्वर्सेशन ही छाप दी है एक पर्टिकुलर एक्स शार्क टैंक इंडिया कंटेस्टेंट जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई किया था ऑन दी रेडिट प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बैक बिहाइंड द सीन स्टफ्स और फैक्ट्स शेयर किया है इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट. सो लेट अस क्विकली गो थ्रू डैट. और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी रही है जो अदिति गुप्ता ने भी बताया है और इन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है. सो विल जस्ट क्विकली गो थ्रू ऑल दी फैक्ट्स. सो ये क्वेश्चन है अश्विनी ग्रोवर के ऊपर. सो जस्ट लीव दिस नाउ. ओके दिस वन इज इंटरेस्टिंग एंड दिस इज अबाउट दी चेक्स. उन्होंने पूछा है कि क्या जो चेक दिया जाता है इज दैट फॉर रियल. बट इन्होंने बोला कि नो दे आर डमी चेक्स और फेक चेक्स. सो इंटरेस्टिंग पार्ट जो इन्होंने शेयर किया है और आप ये पढ़ सकते हो कि इज शार्क टैंक इंडिया स्क्रिप्टेड. सो इन्होंने जो रिप्लाई दिया है मैं आप देख सकते हो कि इन्होंने लिखा है तू सभी नहीं. वंस यू एंटर द टैंक इट्स ऑल रियल. नो रिटेक्स नो डायरेक्शन नथिंग. रणविजय वाली क्लिपिंग में दे माइट आस्क यू टू से अगेन और स्टैंड लाइक दिस एक्सेट्रा बट दैट्स आउटसाइड द टैंक. एवरीथिंग वंस दोज डोर्स ओपन एंड टिल यू स्टेप आउट इज 100% रियल. सो आप देख सकते हो इन्होंने जो मेंशन किया है कि ये एक रियलिटी टीवी शो है. सो थोड़ा मिर्च मसाला हो सकता है पर इट्स नॉट टोटली स्क्रिप्टेड. व्हेन अ कंटेस्टेंट इज गोइंग इनसाइड दी इन फ्रंट ऑफ दी शार्क सो दैट इज 100% रियल एंड दी फंडिंग्स आर रियल. दी सपोर्ट इज रियल फ्रॉम दी शार्क. सो होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और ये बिहाइंड द सीन्स फैक्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा. मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.